नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को यदि आप कम से कम 5 रविवार करते हैं, आप देखेंगे आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। मतलब आपको नाम और दाम दोनों ही मिलेंगे। आप सब जानते होंगे दोस्तों, जायफल जो बिल्कुल सुपारी के जैसा होता है, सुपारी के आकार का, उसी के कलर का छोटा सा फल है जायफल। ये दोस्तों ऐसा फल है जिसका यूज पूजा पाठ में होता है, हर देवी देवता इसका स्वीकार करते हैं। जहां आप देवी देवताओं को जैसे नींबू चढ़ाना है, कोई देवी देवता जब प्रकट होते हैं तो तुरंत ही उन्हें बलि दी जाती है, तो बलि की जगह पर काफी लोग ऐसे हैं जो नींबू काट देते हैं, और उसी जगह पर यदि जायफल काट दिया जाए तो भी देवी देवता उसका स्वीकार कर लेते हैं। जायफल इतना पवित्र और पावरफुल चीज है। जायफल दोस्तों अपने घर में रखना, ये भी आपके घर में धन की वृद्धि करता है। हमेशा किचन में जायफल जरूर रखें। जायफल का पाउडर थोड़ा सा एक पुड़िया में बांध करके आप अपने धन स्थान में रखें। यह बहुत खुशबूदार भी होता है और इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। जब आप अपने घर में खीर बनाते हैं तो खीर में दोस्तों जायफल अवश्य ही डालें। यदि आप ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाल पाते हैं तो जायफल जरूर डालें। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है जो माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। जब भी आप माता लक्ष्मी का भोग लगाते हैं खीर से, तो उसमें यदि आप थोड़ा सा भी जायफल डाल देते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। आप यदि अपने पर्स में भी जायफल के पाउडर की या एक जायफल का टुकड़ा या पूरा जायफल अपने पर्स में रखें, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, पर्स आपका कभी खाली नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। जायफल इतना पावरफुल होता है। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता है, आप गरीबी को भोग रहे हैं, तो आप रविवार के दिन एक जायफल अपने ऊपर से 7 बार वार करके चौराहे पर जाकर के जला दें। धन से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों दूर हो जाएगी। और हर संडे आप एक काम करें, रविवार के दिन दूध आप थोड़ा सा गर्म कर लें और उसमें थोड़ा सा जायफल डाल दें और उसे पिए। हर रविवार आप नियम बना लें, सोते समय या फिर दिन में कभी भी आप दूध में थोड़ा सा जायफल डालें और उसको बस पी जाएं। छोटा सा उपाय है और जब आप उसको पीते हैं तब माता लक्ष्मी और सूर्य देव को आप प्रणाम करें, मन ही मन याद करें और अपनी गरीबी दूर करने के लिए प्रार्थना कर लें। कोई आपको पूजा पाठ तंत्र मंत्र उपाय की जरूरत नहीं है। इस चीज का सेवन करने मात्र से आपके घर में लक्ष्मी का आविर्भाव होगा। करके देखिए, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।